नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंह परसेंट आर्ट क्लास में। दोस्तों, 16 अगस्त है आज, जो एग्ज़ाम होता है सीजीएल का, उसमें जो पहले पेपर में आपको पूछा गया था, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन मुझे पता चले हैं। मैं उसके उसी का आंसर बता दूँ आपको। तो पहला है कि ब्रॉन्ज किस चीज़ से बना होता है। ब्रॉन्ज बना होता है, यह बना होता है कॉपर से और टीन से मिल करके। थियरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने दिया था, ये दिया था सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये कमी के कारण होता है विटामिन ए की वजह से। क्वींसबेरी क्वींसबेरी रूल जो है किससे रिलेटेड है, ये है बॉक्सिंग से रिलेटेड है। लार्जेस्ट ग्लैंड शरीर में कौन सा है सबसे ज़्यादा, वो है लीवर। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर थाइस, जो थाई की हड्डी होती है। फिर पूछा गया है कि एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि अगर एक प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड से गैस बन जाए, तो वो क्या आता है, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनता है तो वो सब्लिमेशन होता है। और कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है गैस से लिक्विड बन जाता है। और फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से आपका ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। अगर लिक्विड से ठोस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, कि संविधान से लिया गया है। फिर आता है कि जॉन सॉन्डर्स को 1927 में किसने मारा था, तो इनको मारने वाला जो व्यक्ति था वो थे सरदार भगत सिंह और राजगुरु। फिर एक प्रश्न है, दुलारी कन्या स्कीम कहाँ पे, किस प्रदेश की है, ये है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये थे 10 प्रश्न करीब, और मैं अभी बाकी के प्रश्न जो आपको आज एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको शाम को, रात को बताऊंगा, 12 बजे, 10, 11, 12 बजे तक। तो आप मेरे चैनल को पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो शेयर करें। अगर और जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं आज, वो मेरे चैनल में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट कराना भूलें, क्वेश्चन ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका फिर आपको उसी हिसाब से आगे नोट्स बना करके मैं आपकी तैयारी करने के लिए आगे करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।